सभी को नमस्कार। और आप देख सकते हैं कि ये एक मेरे पास मेरी गंगा दीदी ब्रीड की गाय है। इसने इसी बछड़े को इसी वर्ष 13 मार्च को इसने जन्म दिया था। तो आज लगभग तारीख है 13 अक्टूबर, तो 6 महीने के आसपास इसको बच्चा दिए हो चुका है। और ये गाय अभी भी एक समय का लगभग 3.5-4 या 4 कभी कभी दूध दे देती है आराम से इस सूखे चारे पे, और कभी कभी 3 से कम भी देती हैं क्योंकि मौसम का कभी कभी इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर मौसम अचानक से बदल जाता है ठंडी या गर्मी में, तो भी एक प्रभाव गायों के मिल्किंग के ऊपर पड़ता है। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य इसके मिल्किंग पे नहीं, मेरा मेन उद्देश्य है इस ब्रीड की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। जो ये गंगा तीरी ब्रीड है बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की ब्रीड है, और कोई भी व्यक्ति जो इसे इन गायों को रखना चाहता है अपने पास इनको बहुत ही आसानी से रख सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा, मतलब हड्डियाँ दिखाई दे रही होंगी धीरे धीरे। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इसे अच्छा खाने को और दिया जाए, इसको फीड और बढ़ा दिया जाए, इसकी खल और चोकर और जितनी भी तरह की अन्य खाने की जो सप्लीमेंट्स आती हैं, जो कि देसी सप्लीमेंट्स हैं, मतलब इनके खाने योग्य वाटा जिसको बोला जाता है, जो अनाज होता है, अगर उनको और दिया जाए तो ये गाय बहुत ही ज़्यादा दूध में ये प्रभाव करती हैं। और ये अपने शरीर को जो है बढ़ाने के बजाय ये सीधा सीधा इनका एक मात्र उपाय होता है कि ये दूध को बढ़ा देती हैं। और इसके विपरीत अगर हम किसी अन्य गायों को, अन्य नस्लों की गायों को देखें, तो अगर फीड बढ़ाया जाता है तो बहुत सारी गायों में ऐसा देखने को मिलता है कि दूध तो जितना है वो उतना बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन वो अपने शरीर को भी बढ़ा लेती हैं। लेकिन ये गंगा तीरी ब्रीड या फिर हरियाणा ब्रीड या फिर जितनी भी सामान्यतः भारत की जितनी भी देसी नस्लें हैं अगर उनमें देखा जाए तो ऐसा देखने को कम मिलता है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि इन गायों की जितनी भी आप देखेंगे, इनकी त्वचा बहुत ही मुलायम होती है, बहुत ही आरामदायक होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो जिन गायों में ऐसा माना जाता है, जैसा मैंने अभी तक जाना है या फिर सीखा है, तो ये कहा जाता है कि जिन गायों की त्वचा चमड़ी बहुत ही पतली और बहुत ही रेशमी होती है, उन गायों में मिल्किंग और गाय की जो है मिल्क पीरियड जो होता है वो लंबा होता है। तो ऐसी गाय अगर ब्याह के बाद जब भी दूध देना शुरू करती हैं तो वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक एवरेज ही रखती हैं, ना कि बहुत ज़्यादा ही मोटी हो गई या फिर ना कि बहुत ज़्यादा ही मतलब एकदम से दुबली हो गई। कभी कभी एक सिनेरियो हो जाता है कि गायें कभी दुबली हो सकती हैं, लेकिन ये जो गाय है मेरी गंगा तीरी ब्रीड की, इससे बहुत ही साधारण से साधारण भोजन पे ही ये गाय आराम से 3.5 लीटर समय का दूध दे देती है। और बाकी ये बछड़ा भी अपना पी लेता है दूध, ये भी लगभग 6 महीने का ये बछड़ा है। और अभी देख सकते हैं क्योंकि ये लाल है तो ये एक AI कर्मी की मूर्खता के कारण हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ क्योंकि ये ब्रीड जो है अपनी पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है, क्योंकि इसे पालना काफ़ी आसान है। अब ये गाय बहुत ही कम देखने को मिल रही है क्योंकि लोगों ने इसका समर्थन करना बंद कर दिया है और सबको अभी बहुत ही ज़्यादा हाई मिल्किंग की गाय चाहिए। कोई भी गायों को अगर मिल्किंग में लाना है तो सबसे पहले उसका संवर्धन और उसका शुद्ध जो है उसमें ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, ताकि उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हैं और आगे चल के करेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा के फिर जेनेटिक्स के साथ काम करके अच्छी ब्रीडिंग, अच्छे बुल सेलेक्शन से ही मिल्किंग को बढ़ाया जा सकता है, उनमें अच्छा मिल्किंग देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि कोई भी एक प्रकार की गाय लाए और अचानक से वो खूब दूध देने लगे, तो सीधा लोग क्रॉस ब्रीड गायों की तरफ जाते हैं और जो भी प्रचलन में गाय हैं वो उसमें वो लोग भागते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो अपनी मूल रूप से जिस क्षेत्र की जो गाय हैं वो अगर उनका संवर्धन अच्छे से किया जाए तो वो गाय कहीं भी कम नहीं है। क्योंकि ये जो मेरी गाय है, जब इसका पीक मिल रहा था, अभी ये 2 महीने पहले तक ये गाय लगभग 6 लीटर समय का एकदम बहुत ही आराम से दे पा रही थी, और जब से ये बरसात में, जब से सितंबर शुरू हुआ, तो सितंबर से ही ये गाय थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा वीक हो गई है क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अंदर अभी
मेरे पास खुले का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था नहीं, क्योंकि जहाँ पे ये जाके घूम सके, तो इस कारण से थोड़ा सा भी और मौसम का थोड़ा प्रभाव पड़ने से इसकी जो है मिल्क एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन बाकी ये अभी भी साधारण, ये सूखा भूसा और फिर इसके साथ इसको खल चोकर और जो भी अपने घर और चने दाल के छिलके हैं और मक्का का आटा और बेसन, ये सब ये बाकी ये नॉर्मल लगभग 3-3.5 किलो फीड पे ये गाय आराम से दोनों समय के मिला के 6-6.5 लीटर दूध 7 लीटर के आसपास दे देती है, बहुत ही आराम से, और लगने में भी एकदम आसानी से मिल्किंग होती है। कोई भी तरह का पैर मारना या फिर किसी भी प्रकार में स्वभाव में भी बहुत शांत होती हैं। और मैंने जितना ये मतलब अभी तक का मेरा ये अनुभव रहा है कि गंगा तीरी ब्रीड अन्य ब्रीड से बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बात मतलब मेरे पास जितनी भी गाय रह चुकी हैं उनसे अपना अनुभव मतलब ये देखा है कि गंगा तीरी गाय होती तो बहुत ही मतलब शांत स्वभाव की गाय होती हैं, बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं होता है गायों में, बहुत ज़्यादा ही अति चंचल नहीं होती है, एक समान स्तर। मजबूती की बात करें तो गाय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फिजिक वाइज भी और मेंटली भी, गाय टॉर्चर टाइप की या फिर किसी प्रकार की टेंशन में गाय कभी नहीं रहती, क्योंकि उनकी जो बनावट है वो इस क्षेत्र के लिए, इस प्राकृतिक इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही बढ़िया जो है ये ढल जाती हैं। और इन्हें हरा भरा घास का मैदान और कीचड़ भरे इधर जितने भी मैदानी या फिर तटवर्ती नदियों के, जो हमारी गंगा नदी उसके तट के किनारे जो भी उसके तटवर्ती जितने भी क्षेत्र हैं, इन सब जगहों पर ये गाय बहुत ही आसानी से ढल जाती हैं, इनके ऊपर बारिश का बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इनको थोड़ा सा और प्राकृतिक अगर इन्वायरमेंट दिया जाए तो ये गाय बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकती हैं और इनका और भी अच्छा विकास हो सकता है, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और ढूंढने के बाद मुझे बहुत एक ये गाय मिली थी और अभी ये गाय मेरे पास 2 सालों से है और ये गाय मेरे पास हमेशा ही रहेगी, क्योंकि मुझे गंगा तीरी गाय हमेशा से ही रखना था। और इसकी फर्स्ट टाइम की ये बछड़ी अभी ये देख सकते हैं इधर है, ये लगभग 2 साल की हो चुकी है और अभी ये भी थोड़ी सी, अभी मेरी लगभग सभी गाय ही थोड़ी सी अभी बॉडी से थोड़ा कमज़ोर हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम और थोड़ा सा अभी इनको खाली सूखे चारे का ज़्यादा ही प्रयोग करना पड़ा है, क्योंकि हरा चारा अपने पास अभी है नहीं उपलब्ध, तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस ब्रीड को पालने में तो बहुत ही आसान है, लो कॉस्ट, जितना लो बजट में देंगे वो गाय उतनी ही भी पल जाएगी और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं होती है, कोई अलग से मिनरल मिक्सचर या फीड की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने इसको इस जब ये बछड़ा इसमें जब ये इतना ये थर्ड लेक मतलब थर्ड ब्याच इसका जब यहाँ पे था तो मैंने इसको अलग से मिनरल मिक्सचर दे दिया, उसका मुझे एक खामियाजा भुगतना पड़ा कि ये गाय ने मतलब अपना जो बेसिक फूड है खाना वो कम कर दिया और इसने अलग से मतलब जो है जो मैंने इसको वाटा ऐसे मतलब मैं दे रहा था वो उसको भी वो खाना कम कर दी, क्योंकि इसको वो मिनरल एक्स्ट्रा हो गए। और जब ये ब्यात में आई और फिर इसने बच्चा दे दिया फिर उसके बाद जेर भी अटकने की थोड़ा सा समस्या रही, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी थी। और फिर जब मैंने डॉक्टर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुझसे जो बातचीत किया खान पान का, तो उन्होंने बताया कि अगर इस प्रकार की देसी गायों को अगर बहुत ज़्यादा अगर मिनरल मिक्सचर या केमिकल फीड सप्लीमेंट दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं गायों में थोड़ी सी समस्या कर सकती है। लेकिन ये साधारण खाने में ही ये घरों में रखने के लिए किसी भी पशुपालक के लिए किसान के लिए बहुत ही अच्छी गाय है, क्योंकि गंगा तीरी ब्रीड अच्छी मानी जाती हैं अपने स्वभाव के कारण, अपने दूध के कारण। लोग बोलते हैं कि गाय देसी गाय कम दूध दे देती हैं, पैर मारती हैं, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पिछले साल लगभग पिछले वाले लैक्टेशन में लगभग इसने 1 साल 10 दिन के आसपास इसने बच्चा दिया सॉरी दूध दिया था और अभी ये 6 महीने से कंटिन्यूसली दूध लग रही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार हीट में भी आ चुकी है 2-3 बार, लेकिन गंगा तीरी का सीमन 2 बार अवेलेबल नहीं था तो नहीं करा, इस बार सीमन था लेकिन गाय थोड़ा सी ज़्यादा ही मिस हो गई थी और जब टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो चुका था तो इसके लिए भी सीमन इस बार मिस हो गया है। अगली बार अभी जब भी आएगी तो इसको ज़रूर से सीमन लगवाया जाएगा, क्योंकि मेरे पास गंगा तीरी का 66 सीमन भी अवेलेबल है। और इसका ये बछड़ा गलत AI का एक परिणाम